तीसरे ने कहा कि जी आपको कोई अधिकार नहीं है कि हमारा प्रतिनिधि और हमारा जो है ना बरादरी का मुखिया होने के नाते आपका अपमान हो और तब भी आप कांग्रेस में रहो। कांग्रेस द्वारा टिकट ना दिए जाने से फरीदाबाद के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री एसी चौधरी कांग्रेस हाईकमान से बुरी तरह नाराज हैं। कल एसी चौधरी ने पंजाबी बिरादरी एवं अपने समर्थकों के साथ आगामी रणनीति को लेकर एक जनसभा का आयोजन भी किया था, जिसमें अन्य पंजाबी दावेदार भी उपस्थित थे, लेकिन कल से आज तक की स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, जबकि आज नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख है। जब पूर्व मंत्री से सवाल किया गया कि अब वे क्या रणनीति या एक्शन लेंगे, तो उनका कहना था कि वे पार्टी से नाराज हैं, वह कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पंजाबी बिरादरी की अब शायद जरूरत नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि शायद अब पार्टी से उनका दाना पानी उठ गया है। उनकी इस नाराजगी से जाहिर होता है कि वे कांग्रेस उम्मीदवार की राह का कांटा बनने का काम जरूर करेंगे। तो सब कल रात को आपने एक बड़ी मीटिंग की है पंजाबी बिरादरी और कांग्रेस के जो समर्थक वहाँ मौजूद थे, तो उसमें फैसला लेने की कल बात हुई थी कि 2 बजे तक हम फैसला ले लेंगे कि क्या हमने कांग्रेस कैंडिडेट का साथ देना है या कोई निर्दलीय अपने 7 लोगों में से कोई किसी को सपोर्ट करना है या नॉमिनेशन बनाना है, तो क्या फैसला लिया गया उसका? देखिए, कल की मीटिंग में पहली बात तो ये पंजाबी नहीं, पूरी भटकल हल्के के सारे समर्थकों की मीटिंग थी, जिसमें मेरे मुस्लिम भाई भी थे, सिख भाई भी थे, कांग्रेस के वर्कर भी थे, कांग्रेस के हमदर्द लोग भी थे, और उसमें सबकी विचारधारा सामने आई माइक पे, और सब एकजुट थे इस बात के लिए कि पहले ये सीट, इसका जो एक नेचर बदल दिया गया, क्योंकि पहले ये NIT था, आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में NIT है, पोस्टल रिकॉर्ड में N121001 है, आपके कॉरपोरेशन अकाउंट में है, आपका जो है ना टैक्सेशन अकाउंट में सारा NIT, अगर चारों तरफ बार बार के बोर्ड भी पढ़ें तो सब में इंडिकेशन बोर्ड में NIT। जो मैंने सवाल किया ना, सिर्फ उस पे आप बात, मैं उसी पे आ गया था। मैंने ये कहा था कल की मीटिंग में जो फैसले हुए हैं, पहला कांग्रेस पार्टी के इस एक्शन को जिसे उन्होंने एक लोकल NIT के आदमी को छोड़ करके और जगह दिया है टिकट, उसको कंडेम किया है और मांग की है कि टिकट हमारा अधिकार है, हम 1,20,000 से ज़्यादा वोटर हैं, हमारा जाति के आधार पर भी हक बनता है, हमें दिया जाए। दूसरा, कुछ प्रस्ताव आए कि नोटा दबाओ, नहीं देनी किसी को भी वोट, उसमें भी एक सज्जन बोले कि सीमा भी तो पंजाबी है, उसको दे दो, तो उसने फौरन रिएक्ट किया कि नोटा दबाओ। तीसरे ने कहा कि जी आपको कोई अधिकार नहीं है कि हमारा प्रतिनिधि और हमारा जो है ना बरादरी का मुखिया होने के नाते आपका अपमान हो और तब भी आप कांग्रेस में रहो। कांग्रेस कैंडिडेट का एक तरफ विरोध होगा या आप लोग उसके साथ रहेंगे, क्लियर नहीं हो रहा। देखिए, मैं सीधा सा कह रहा हूँ, जो यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट दिया गया है उसके लिए 90% लोग उसके विरोध में, उसको फायदा नहीं मिल रहा। मैं आपसे बात पूछने के लिए आया हूँ, आप पंजाबी बिरादरी का नेतृत्व कर रहे हैं, कल एक मीटिंग की थी आपने, आप लोग 7 लोग आप उनका समर्थन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं उनका या नहीं कर रहे? मैं, हम नहीं कर रहे। आप लोग नहीं कर रहे कांग्रेस के? हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हमने तो फैसला अब ये करना है, 3 बातें हैं, या रिटायरमेंट घोषित कर लो, जो भी सीनियर कांग्रेस के लोग हैं जिनको ग्रज है, नाराज़गी है, हक न मिलने का जायज गिला है, वो रिटायर हो जाएं, या नोटा वाली कहानी करें, तो या तीसरी बात यह है कि अपने अपने तरीके से जो कैंडिडेट लड़ते हैं लड़ते जाएं। आपका क्या फैसला है, नोटा दबाएंगे या कांग्रेस का विरोध करेंगे या? देखिए, ऐसा है, गुलशन बगाल का समर्थन करेंगे? मैं इसी बात पे आता हूँ, क्योंकि हमने ये फैसला किया 4 के बाद मीटिंग करेंगे, तो मीटिंग तक मैं वेट करूँगा। अगर इंडिविजुअल राय पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से 4 सीटें दे करके 35% आबादी का मजाक उड़ाया है, वो एक इंडिकेशन है कि शायद कांग्रेस को हमारी ज़रूरत अब नहीं रही।
और कोई ज़रूरत नहीं होगी तो नेचुरली है कि मैं खाम खा तो उनके बीच घुसूंगा नहीं। धन्यवाद। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।